मैं जब यहाँ आई तब मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन आपने जो मेरे साथ किया उसकी उम्मीद तो मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। इतना बड़ा धोखा। धोखा? और ये चिट्ठी आपके पास कहाँ से आई? सच सामने आने से डर गए बख्शी जी? जरूरी नहीं जो सामने हो वही सच, और इस बात को आपसे मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है? आपके जवाब का मेरे सवाल से कोई वास्ता नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये चिट्ठी मैंने नहीं लिखी, क्या आप मेरा विश्वास करेंगी? अगर मैं आपसे कहूं कि ये चिट्ठी राधे लिखी है, तो क्या आप विश्वास करेंगी? इतना झूठ भी मत बोलिए कि हंसी आ जाए। आप में हिम्मत होनी चाहिए थी कि आप मुझे मुंह पर आकर कहते जाने के लिए। और अगर वचन निभाने की हिम्मत ही नहीं थी तो वचन दिया ही क्यों बाबा को? और वचन ना निभाने की भी सजा बाबा को क्यों देना चाहते हैं आप? और राधा दीदी का नाम लेकर तो आप पर विश्वास नहीं तो फिर जाने दीजिए, क्योंकि मैं जो चाहूंगा आप उसका अलग मतलब निकालें। कि सच यही है कि चिट्ठी राधा ने लिखी, जरा भी गलत नहीं। क्यों लगता है कि आप मुझसे प्यार होने लगा है? ये सच है कि राधा को लगता है कि मैं आपके आंसू और खुशी का कारण बन चुका हूं, उसकी वजह बन चुका हूं, आपकी कमजोरी और ताकत बन चुका हूं, जबकि ये सच है ही नहीं। लेकिन ये बात मैं राधा को कैसे समझाऊं? इसलिए राधा चाहती कि आप यहां नहीं रहे, वापस बड़म्बा चले जाए। अभी बस खड़े होकर यही सोच रहा था कि मैं राधा को कैसे बताऊं कि आपके और मेरे बीच सिर्फ एक रिश्ता है, मजबूरी का, संधि का, बस वो संधि जो ना ही आप चाहती हैं और ना ही मैं। कैसे समझाऊं कि आपके मेरे बीच ना ही कभी कुछ था, ना ही कुछ है और ना ही कभी कुछ होगा? कैसे समझाऊं उसे कि हमारे बीच में इतना बड़ा समझौता हो गया? उस समझौते को समझाने के लिए मुझे सच कहना पड़ेगा, जिसके लिए मैं तैयार नहीं हूं और ना ही मैं कहना चाहता हूं। और इस समय अगर कोई मेरी बात समझ सकता है तो वो सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप। इसलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं, मुझे अकेला छोड़ दीजिए आप। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं राधा को फिर से कैसे यकीन दिलाऊं, कैसे मैं फिर से जीऊं जैसे अब तक मैं जीता आया था। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। विनती कर रहा हूं आपसे, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। कि राधा को लगता है कि मैं आपके आंसू और खुशी का कारण बन चुका हूं, उसकी वजह बन चुका हूं, आपकी कमजोरी और ताकत बन चुका हूं, क्योंकि उसे लगता है कि आप मुझसे प्यार होने लगा है। इसलिए राधा चाहती कि आप यहां नहीं रहे, वापस बड़म्बा चले जाए। दीदी, मुझे लगता है हमें ये रिश्ता जोड़ना ही नहीं चाहिए था। कम से कम औपचारिकताओं का एक पर्दा तो रहता। मैं जानती हूं कि आप मुझसे नाराज हैं। ये चिट्ठी पढ़ी मैंने, जो आप बाबा को भेजना चाहती थी, शायद भगवान की कोई इच्छा थी कि ये बात मुझ तक पहुंचे। इसलिए कल जब मैं यहां से गजरा लेकर गई तब मुझे ये उसके नीचे मिली। उसी तरह शायद भगवान की कोई इच्छा रही होगी जो हालात मुझे यहां ले आए। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी, बल्कि मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि मैं शादी करूंगी, कि हम बड़म्बा हार जाएंगे। कहीं ना कहीं
ये जरूर मेरा भाग्य रहा होगा जिसकी वजह से। हर परिणाम को भाग्य पर छोड़ देना मुझे समझ नहीं आता। भाग्य वो नहीं है राजकुमारी कल्याणी जो हमारे साथ होता है, भाग्य वो है जो हम अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए अपने कर्मों से सींचते हैं। भाग्य वो रास्ता है जो हम अपनी परिस्थितियों के अनुसार चुनते हैं। आप माने या ना माने, मैं आपको अपनी बड़ी बहन मानती हूं, इसलिए आपको कुछ भी कहना है तो आप मुझसे कहिए, मैं बुरा नहीं मानूंगी। अगर आप चाहती है कि मैं यहां से चली जाऊं तो मुझसे कहिए। बाबा को ये बात आपसे या किसी और से पता चली तो उन्हें बहुत दुख पहुंचेगा। मैंने आपसे कहा था ना उस दिन कि एक क्षण के लिए मेरा भरोसा हिल तो जरूर गया था, मुझे लगा था मैं अपने आप को संभाल लूंगी, नहीं संभाल पाई। मैं नहीं चाहती हूं कि आप अपने विवाहिता होने के धर्म को खोए। मुझे आपके यहां रहने का नहीं बल्कि बहुत कुछ खोने का डर है। लेकिन क्यों? कुछ नहीं खोएगा, कोई बात का डर नहीं है। बख्शी जी आपसे प्यार करते हैं, आपका इतना सम्मान करते हैं, फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको मेरी जगह रखकर देखिए। क्या मैं गलत हूं? अपने आप को मेरी जगह रखकर सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए, मुझसे मत पूछिए। आपको यहां रहना है रहिए, जाना है जाइए, जो करना है करिए, इस बारे में मुझे और बात नहीं करनी। डर कुछ ना पाने का नहीं बल्कि आत्मसम्मान के खो जाने का है, और जहां आत्मसम्मान ही नहीं वहां कुछ भी पाने का अर्थ नहीं। लेकिन चलिए मैं आता हूं। आप पूरी से कब लौटेंगे? कुछ तय नहीं किया, कुछ चाहिए था आपको? नहीं, बस पूछना चाहती थी कि आपको विश्वास है ना कि मैं राधा दीदी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी। गलती आपकी नहीं मेरी है, जिसके लिए मैं अपने आप को सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानता हूं। काश मैं समय के उस पहिए को उल्टा वापस घुमा पाता, फिर से एक नई शुरुआत कर पाता। गलती मेरी है और सम्मान आपका टूट रहा है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, कैसे इसे सुलझाऊं। जल्दी में हूं, वापस लौट के बात करेंगे। और हाँ, एक और बात कहना चाहता हूं, आपके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए मैं वचनबद्ध हूं। काश मैं समय के उस पहिए को उल्टा वापस घुमा पाता, फिर से एक नई शुरुआत कर पाता। मैं जानती हूँ कि आप ये वचन निभाएंगे, लेकिन इस आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कई सम्मान टूट जाएंगे जो मैं नहीं होने देना चाहती।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।